टेक्निकल और एजुकेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गिफ्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं बिलाल चौधरी और आप देख रहे हैं टेक्निकल गिफ्ट। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं NIOS की तरफ से आए हुए एक लेटेस्ट नोटिस के बारे में। जी हाँ, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। बताऊंगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में, बस आप वीडियो के साथ पूरा बने रहिए एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जिस नोटिस की मैं बात करता हूँ वो अब आपके सामने खुला हुआ है और आप देख सकते हैं, ये है एक लंबा चौड़ा नोटिस जिसमें है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर करता हुआ चलूँ कि ये जो नोटिस है मुझे NIOS की रीजनल वेबसाइट, यानी कि जो उत्तराखंड की रीजनल वेबसाइट है, वहाँ से मिला है। तो ये जो सारी डिटेल है या जो भी कहें इसको नोटिस है, ये हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए हैं। बाकी सबको अपने अपने यहाँ से अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल सकती है या हो सकता है सबके लिए यही इन्फॉर्मेशन काम करेगी। अब हम बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो देखते हैं, इसमें लिखा है विषय वर्कशॉप आधारित गतिविधि का आयोजन एवं असाइनमेंट एवं स्कूल आधारित गतिविधि के अंक चढ़ाने विषय, यानी कि जो आपकी वर्कशॉप होने वाली है उसके बारे में है ये, और जो आपके असाइनमेंट जमा हो गए हैं उसके मार्क्स के बारे में है, और आपका जो SBA है उसके मार्क्स के बारे में है। अब आगे बढ़ते हैं। राजकीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान संचालित द्वारा संचालित द्विवर्षीय DLED पाठ्यक्रम की PCP सभी अध्ययन केंद्रों पर संपन्न हो चुकी है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान PCP संपन्न करवाने में संलग्न अध्ययन केंद्रों के समस्त समन्वय को संदर्भ दाताओं मेंटर्स एवं सुपरवाइजर को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करता है। DLED प्रथम सत्र में कोर्स 501 से 5 सम्मिलित है, अतः आपके द्वारा इन कोर्स के असाइनमेंट का मूल्यांकन कर लिया गया होगा। साथ ही स्कूल आधारित गतिविधि यानी कि SBA भी संपन्न करवा लिया गया होगा। इन दोनों गतिविधियों के अंक चढ़ाने हेतु NIOS की वेबसाइट nios.ac.in में लिंक खोल दिया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि 501 से 505 के अंक विद्यालय तथा विद्यालय आधारित गतिविधि के अंक अपलोड करने का कष्ट करें। यह संपूर्ण कार्यवाही अनिवार्य रूप से 15 अप्रैल से पूर्व संपन्न करा ली जाए। इससे आपका एक डाउट क्लियर हो जाता है कि भैया जो आपकी लास्ट डेट है आपके असाइनमेंट 504 और 5 की, यानी कि 1 से लेकर 5 तक की और SBA को सबमिट करने की, वो डेट आपकी 15 अप्रैल से पहले पहले है। आपको वो अपना असाइनमेंट और SBA 15 तारीख से पहले पहले सबमिट करना है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन पहले स्कूल में सबमिट होगी, फिर वहाँ से स्टडी सेंटर जाएगी, फिर स्टडी सेंटर से आपकी NIOS जाएगी। तो ये लंबी प्रोसेस है। तब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जल्दी जितना जल्दी हो सके या आप अपना वर्क जो है पूरा कर लें। उसके बाद लिखा है उक्त के अतिरिक्त अध्ययन केंद्रों पर 12 दिनों की कार्यशाला आधारित गतिविधि भी आयोजित की जाएगी। उक्त कार्यशाला के आयोजन हेतु अध्ययन केंद्रों के सम्मुख 2 विकल्प प्रस्तुत है। प्रथम 13 मई से 24 मई तथा द्वितीय है 1 जून से 12 जून। यानी कि ये तो जो दो डेट्स दी गई हैं इसी में आपकी वर्कशॉप होने वाली है। अध्ययन केंद्र आपकी सुविधा अनुसार कोई एक विकल्प चयनित कर सकते हैं। अध्ययन केंद्र स्थापनीय परिस्थिति के अनुसार वर्कशॉप के शुरू होने का समय निर्धारित कर सकते हैं, किंतु प्रतिदिन सत्रों के आयोजन हेतु कुल निर्धारित समय में कोई कटौती नहीं की जा सकती। साथ ही इसकी पूर्वानुमति जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक नोडल अधिकारी से ले ली जाए तथा इसकी सूचना क्षेत्रीय केंद्र NIOS देहरादून को अवश्य दी जाए एवं तत्संबंधी सूचना अध्ययन केंद्रों के सूचना पट पर भी चस्पा की जाए। NIOS NCTE भारत सरकार राज्य शिक्षा विभाग के पर्यवेक्षक किसी भी समय केंद्र का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु व्हाट्सएप नंबर ये और ईमेल आईडी ये का प्रयोग करें। साथ ही क्षेत्र केंद्र देहरादून की वेबसाइट rcgdn.nios.ac.in का सतत अवलोकन करते रहें। नोट, अंक अपलोड की प्रक्रिया क्षेत्रीय केंद्र देहरादून की वेबसाइट के डीरेट कॉर्नर पर समझाई गई है। तो भैया ये थी वो इन्फॉर्मेशन जिसकी मैं बात कर रहा था। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सभी के साथ शेयर कर दी जाए तो इसको जल्दी से आप सभी के साथ शेयर करें, और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले आइकन को प्रेस कर लें, इससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।